हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है टेलर थ्योरम, वो डिस्कस करने वाले हैं। टेलर थ्योरम रियल एनालिसिस में भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से इसका आगे फर्दर प्रूफ है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्कल सी विद इट्स सेंटर जेड इज इक्वल टू ए एंड रेडियस आर, देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये आएगी। तो ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, इस तरह का कुछ है। मतलब यहां कहीं कोई सर्किल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस उसकी आर है, ये एक सर्किल है। अब इसके किसी पॉइंट पर हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये प्रूव करनी है, ये बात है। देखो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में हमने सीखा था कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसके अंदर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू आती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और ये क्लोज लूप सी, यहां पर फिलहाल सी जो है वो सर्किल है, एक ही बात है, कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। तो अब बात यह है कि इससे आगे कैसे फर्दर बढ़े हैं? हमें क्या चाहिए वो देखो आप, हमें एफ ऑफ जेड चाहिए, एफ ऑफ जेड चाहिए, हमारे पास एफ ऑफ ए है। हम एक काम करने वाले हैं, पूरी लाइन में ए की जगह सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं जेड, ताकि इधर एफ ऑफ जेड आ जाए, मतलब लेफ्ट साइड तो मिले कम से कम, उसके बाद राइट का सोचेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ए की जगह जेड रखने से इस तरफ तो एफ ऑफ जेड हो जाएगा। अब ए की जगह अगर आपने जेड रख दिया तो इसकी जगह जेड रख दिया तो जेड की जगह भी कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो z माइनस जेड वैसे ही जीरो हो जाएगा, या कह लो कि नहीं बैठेगा वो जो भी है। तो z की जगह हम उस केस में कुछ भी रख सकते हो आप, मैं यहां फिलहाल t रख देता हूं, इंटीग्रेशन में t बहुत रखते हैं हम लोग, तो t रख लेते हैं इसको। आप कुछ और रख सकते हो, u रख सकते हो, p रख सकते हो, कुछ भी रख लो। तो स्टार्ट करें आगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी जिसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ताकि हमें लेफ्ट साइड एटलीस्ट मिल जाए और राइट साइड हम बना लेंगे उसके बाद में। तो देखिए क्या बनेगा, ये एफ ऑफ जेड, ए की जगह मैंने जेड रख दिया, ये 1 अपॉन 2 पाई आयोटा अपनी जगह पर है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड, जेड की जगह सॉरी गिरा, जेड की जगह टी है तो एफ ऑफ टी, और नीचे आएगा जेड माइनस ए टी माइनस जेड डी टी, क्योंकि जेड की जगह टी, तो हर जगह जेड की जगह टी हो गया, ए की जगह जेड हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब हमें लेफ्ट साइड तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ जेड है, केवल राइट साइड में हमें बनाना है जो भी ये आएगा सीरीज, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई, क्यों किया ये आपको क्लियर हो गया होगा, ताकि लेफ्ट साइड एटलीस्ट हमें मिल जाए, राइट साइड हम इसको एक्सपेंड करते हुए बना लेंगे। अब बात करते हैं कि इसको आगे कैसे एक्सपेंड करना है। तो ये जो टर्म है ना, ये जेड, ये टी माइनस जेड है वन अपॉन में, एक तरीके से मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूं इस तरफ, और फिर लास्ट में इसके साथ अटैच कर दूंगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। ये वन अपॉन t माइनस जेड, इसको अलग से लेके देख रहे हैं, मैं इसमें a ऐड कर रहा हूं और a सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फॉर्मेट में लाने के लिए। ये मैंने a सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस वाला पहले इसलिए लिखा है क्योंकि सब कुछ माइनस में लेके आना है, तो उस हिसाब से ये बनेगा हमारे पास t माइनस a, और इधर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये z माइनस a, क्योंकि z माइनस a की जरूरत है हमें, इसलिए मैंने उस फॉर्मेट में बनाया है इसको, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं टी माइनस ए, थोड़ा जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आ तो रहा नहीं है, तो ये बनेगा वन माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए और ये ब्रैकेट, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके आगे का काम क्या है, इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने का मतलब हो गया ये हो जाएगा वन माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की होल पावर माइनस वन, और ये बाहर चल रहा है t माइनस ए। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन करिए, कुछ खास नहीं किया। अब इसको आगे क्या करना है, ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो ना ये चीज, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। आपने एक फॉर्मूला शायद सीखा हो, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या फॉर्मूला था, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन। ये बाइनोमियल थ्योरम आपने सीखी होगी 12th क्लास में या 11th क्लास में, उस समय भी था। और जो टेलर थ्योरम है रियल एनालिसिस में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसके एक्सपेंशन में भी ये चीज आती है। तो बाइनोमियल थ्योरम से भी समझ सकते हैं अपन, या टेलर से भी समझ सकते हैं,
रिजल्ट क्या आता है मैं वो लिख देता हूं, ये आता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह का रिजल्ट आता है इसका। ये हमारे बड़े काम की है इस समय, क्योंकि इसकी हेल्प से ही ये एक्सपेंड होगा। आप देखो ध्यान से, ये जो टर्म बन रही है ये एक तरीके से एक्स है हमारे लिए, ये 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 बन रही है, तो अप्लाई करने पर देखिए क्या आंसर आएगा, ये आएगा 1 अपॉन टी माइनस ए, ये तो बाहर चलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब ये पूरी टर्म, तो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इसी का क्यूब, तो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल क्यूब, और ये इस तरह से आगे इन्फाइनाइट तक चलता है। अब बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये लास्ट बन जाएगा अपना, अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1 अपॉन टी माइनस ए प्लस में ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जेड माइनस ए अपनी जगह पर है और टी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, और इधर ये जेड माइनस ए की पावर 2 अलग है और ये टी माइनस ए की होल पावर 2 तो ये है, 1 ये है, 3 हो गई। सेम ऐसे ही जेड माइनस ए की पावर 3 और नीचे आ जाएगा टी माइनस ए की पावर 4, और ये इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता जाएगा एक्सपेंशन, किसका, किस टर्म का, ये बन गई। अब इसकी वैल्यू जो कि ये आई है इक्वेशन नंबर, मैं इसको 3 ले लेता हूं, इसको आप 2 में रख दो, बस काम हो जाएगा अपना। तो 2 में मैं ये इसकी जगह वैल्यू रख रहा हूं, रखने का तरीका क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा तो बाहर लग जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लगेगा और एफ टी डी टी लगेगा, इसकी वैल्यू तो ये पूरी है ही, इस पूरे के साथ एफ टी डी टी लगा करके मैं ये मिटाते हुए लिख रहा हूं। देखो आप, ये मैंने 1 अपॉन टी माइनस जेड की वैल्यू रख दी, साथ में एफ टी डी टी है और 1 अपॉन 2 पाई आयोटा है, ये इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 3 से वैल्यूज रख दी है। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे इस एफ टी डी टी को इन सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है, आप लोग बस देखते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा लास्ट में। ये एफ टी डी टी और टी माइनस ए प्लस में इसके साथ दोगे तो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में एफ टी डी टी, और ये अलग से इंटीग्रेशन प्लस में इसके साथ भी सेम जेड माइनस ए की पावर 2 है और टी माइनस ए की पावर 3 है, साथ में एफ टी डी टी वही सी, और लास्ट में ये जेड माइनस ए की पावर 3 और टी माइनस ए की पावर 4 साथ में एफ टी डी टी, ये अलग से और जितने भी होंगे सभी आ जाएंगे। लास्ट में सबके आगे क्या लगा हुआ है, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, तो ये मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं जो करने वाला हूँ नेक्स्ट लाइन में वो ये है कि देखो यहाँ पर ध्यान से, ऑपरेटर क्या है, टी ऑपरेटर है ना, मतलब वेरिएबल टी है ना, टी के अलावा तो जो है वो सब कॉन्स्टेंट है, उसको तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो अगर इस जेड माइनस ए को देखो, इसके पास टी नहीं है तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, इसके पास भी टी नहीं है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, इसके पास भी टी नहीं है, बाकी सबके पास टी है, इसको भी बाढ़ ले लो, कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। तो क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा इस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, तो एक बार यही बाहर ही रहने दे रहा हूं मैं, ये आ जाएगा अपना एफ टी अपॉन टी माइनस ए और ये डी टी इंटीग्रेशन सी प्लस में, यहां बन जाएगा जेड माइनस ए, बाहर बचेगा क्या, एफ टी अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर और ये डी टी, इसके बाद ये आ जाएगा जेड माइनस ए की पावर 2 और एफ टी अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3 और डी टी, और लास्ट जेड माइनस ए की होल पावर 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा एफ टी अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 4 और डी टी, ये इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। लास्ट काम और 1 अपॉन 2 पाई आयोटा से सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या बनेगा फाइनली आंसर बनेगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और ये एफ टी अपॉन टी माइनस ए डी टी प्लस में, ये जेड माइनस ए मैं अलग से लिख रहा हूं और ये 1 अपॉन 2 पाई आयोटा को अलग से साथ में लिख रहा हूं, और ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के साथ लिख रहा हूं, कहने का मतलब ये है, वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक फॉर्मेट आ रहा है, अभी आपको समझ आएगा कि ये क्या फॉर्मेट है, मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं किसका फॉर्मेट है। तो ये 2 पाई आयोटा सबके साथ मल्टीप्लाई में लगा रहा हूं बस, में बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा इसमें, टी माइनस ए की होल पावर 3 और ये डी टी प्लस में ये जेड माइनस ए की पावर 3 एज इट इज इंटू में 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और इंटू में इंटीग्रेशन ये एफ टी अपॉन
टी माइनस ए की होल पावर 4 और dt, इस तरह से जितने भी होंगे आगे टर्म्स बनते जाएंगे इन्फाइनाइट टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जो एक्सटेंशन है, मतलब nth डेरिवेटिव के लिए जो बनाते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, वो आपने सीखा होगा। वो फॉर्मूला होता है एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 डी जेड। ये फॉर्मूला है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ही है फॉर nth डेरिवेटिव, मतलब उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से। अब इस फॉर्मूले को इसमें कैसे फिट करें, फिट करने के लिए आप थोड़ा देखो यहां पर dt, मतलब t ऑपरेटर है, यहां क्या ऑपरेटर है z, तो t और z ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर कभी भी चेंज कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन की जो पहली प्रॉपर्टी थी ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो ये कहती है कि यहां पर पूरी लाइन में z की जगह कुछ भी रख दो आप, सेम आंसर आता है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पूरी लाइन में z की जगह t रख देता हूं, क्योंकि हमें t से ही कंपेयर करना है ना यहां पर, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 पाई आयोटा और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ टी नीचे टी माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 और ये डी टी। अब थोड़ा ध्यान देने वाली लास्ट बात जो है वो ये है कि हर जगह इतनी चीज हमें मिल रही है, ये देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां पर एन की जगह अगर पूरी लाइन में जीरो रख दें तो एफ ऑफ ए बन जाएगा, मतलब एक भी बार डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर एन की जगह यहां पर वन रखोगे तो एफ डैश ए आ जाएगा, जो कि ये आएगा, यहां फैक्टोरियल वन की जरूरत है बस, वो तो है ही। अगर एन की जगह टू रखते हो तो एफ डबल डैश ए क्या आएगा, फैक्टोरियल टू की बस यहां जरूरत पड़ेगी, नीचे टू पाई आयोटा है, एफ टी है, टी माइनस ए की पावर 3 है एन की जगह टू रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां फैक्टोरियल वन की जरूरत है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लो, यहां फैक्टोरियल 2 की जरूरत है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहा हूं मैं, यहां फैक्टोरियल 3 की जरूरत पड़ने वाली है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो मैं फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहा हूं। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है, प्रॉपर फॉर्मेट में आने के बाद में फाइनल जो आंसर बनेगा वो ये बन रहा है इसका। ये तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए, सिंपल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब ये डिफरेंशिएशन वाला, तो जेड माइनस ए और नीचे फैक्टोरियल 1 और ये एफ डैश ए, प्लस में जेड माइनस ए की पावर 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 और ये बन रहा है हमारा एफ डबल डैश ए, और तीसरा वाला जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश ए बन रहा है ये, एंड सो ऑन, जितने भी होंगे एंथ टर्म तक या इंफिनिट तक चलते जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आया एफ ऑफ जेड का, जो कि चल रहा था स्टार्टिंग से, ये हमारा फाइनली मिल गया हमें टेलर्स एक्सपेंशन। तो इस तरीके से टेलर सीरीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमने सिर्फ 2-3 चीजें यूज ली है इसमें, सबसे पहली तो ये कि हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से स्टार्ट किया, दूसरी बात उसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, बाइनोमियल थ्योरम यूज ली और उसको एक्सपेंड करके आगे बढ़े, और तीसरा लास्ट में जो इंटीग्रेशन बन रहे थे उसमें एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमने यूज लिया। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, देन बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन, देन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और लास्ट में आंसर आ गया। तो इतना आसान है। अब इसमें एक और चीज होती है, वैसे टेलर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, उसको किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इसके बाद में एक दूसरी थ्योरम लेने वाले हैं जो कि है लॉरेंट्स थ्योरम, उसके बाद फिर हम इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।